Hey guys, hello, welcome or welcome back to my YouTube channel. Back again with another video, but this time I'll be doing Q&A because there are so many questions about tretinoin and then Mederma, and also questions like why I have suddenly stopped using tretinoin. मैं हर एक question मतलब देख रही हूँ, but then मैं comment में जाके तो वो clearly explain नहीं कर पाती हूँ. That is why I thought of making this video. So without wasting any further time, let's get started. And पहले से बता दे रही हूँ, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है. And then again, चलो. तो first है कृष्णा 1C60. कृष्णा जी, आई सुनैना, there are two creams, tretinoin and Mederma scar gel. I have box scars from past 1 to 2 years. What should I follow? So see, मतलब आपका अगर पास्ट का 2 साल से एक्ने स्कार्स रह चुका है तो आई डोंट थिंक कि अब कोई मतलब क्रीम से जाने वाला है, ये तो मुझे लग नहीं रहा है. सो बेसिकली जब मेरा एक्ने ख़त्म होके जो स्कार्स रह गया था, तो वो 6 मंथ होने से पहले मैंने Mederma जेल लगाना यूज़ किया था. बट जो Mederma से भी मतलब गड्ढा नहीं जाता है, बस वो स्कार्स क्या होता है, स्कार्स गड्ढे वगैरह तो रहता है, बट देन उसके ऊपर पूरा डार्क स्पॉट्स टाइप का जो होता है ना, एक ऐसा दिखता है. यस, सो इसको रिमूव करने के लिए Mederma काफ़ी सही है. बट देन आपका अगर एक्ने का जो गड्ढे बन चुका है वो तो मतलब नहीं जाने वाला है, मेरा भी है, सबका ही रहता है वो. उसके लिए तो आई थिंक माइक्रो नीडलिंग या फिर केमिकल पीलिंग सॉल्यूशन, वो कुछ एक मतलब अच्छा वाला डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके उनका सजेशन लेके करना चाहिए. बट आई एम सो सॉरी अगर आपका मतलब पास्ट 1-2 ईयर्स से स्कार्स है, एक्ने स्कार्स है, तो डोंट वेस्ट योर मनी यूजिंग ऑल दिस प्रोडक्ट्स. मतलब कुछ होने वाला नहीं है, बस जो गड्ढे वगैरह है वो तो रहेगा ही. एक बार आप जाके मतलब डर्मेटो दिखा सकते हो, आई सजेस्ट दैट. बट फिर भी अगर आप चाहते हो कि मतलब स्कार्स के लिए, तो स्कार्स के लिए तो tretinoin है ही नहीं, पता नहीं कैसे वर्क करता है, बट tretinoin सिर्फ एक्ने के लिए है. प्लीज़ एक बार डोमेट को दिखाइए, ये क्योंकि आपका पुराना वाला स्कार्स है ना. सो यस, ना है मिक्स गेमर, आई सो tretinoin स्कार्स क्लियर करा. नो, tretinoin ने मेरा स्कार्स क्लियर नहीं किया है. यूज tretinoin एवरी डे एट नाइट फॉर 3 मंथ्स? ना, मैंने फर्स्ट का जो फर्स्ट मंथ था वो फर्स्ट मंथ नहीं, फर्स्ट 15 डेज मैंने अल्टरनेट डेज में यूज़ किया था. आज लगाती थी, कल नहीं, परसों लगाती थी. सो आई डिड दैट, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर 15 डेज रेगुलरली मैंने tretinoin लगाना यूज़ किया. एंड 3 मंथ्स, सिर्फ 3 मंथ्स के लिए मैंने 11 and a half months tretinoin लगाया था. 3 मंथ्स से कोई मतलब काफ़ी वो अच्छा वाला रिजल्ट नहीं आता है tretinoin से. तब 3 to 4 मंथ्स में तो आपका मतलब और भी चेहरा डल इन अ सेंस कि जितना एक्ने है आपका, मतलब आने वाला एक्ने जो है वो सब एक ही बार में आपको निकाल के बहुत ही एक पर्जिंग वाला फेस में रहते हो आप 3 to 4 मंथ्स में. सो यस, उसके बाद 5-6 मंथ्स से आपका एक्ने में मतलब चेंजेस आना स्टार्ट होगा. सो tretinoin अगर आप सोच रहे हो तो ये मतलब एक लेंदी वाला प्रोसेस है, बहुत लेंदी, लेकिन काम करता है, बट बहुत लेंदी वाला प्रोसेस है. मनीष गुप्ता, आपने कितने मंथ्स यूज़ किया tretinoin? 11 and a half months मैंने यूज़ किया था tretinoin को. एक और क्वेश्चन है कि ऑल पिक्स, इफ़ यू स्टॉप tretinoin विल द एक्ने कम बैक और इट विल नॉट? नो, इट विल नॉट come back. Tretinoin is not something like a steroid type of medicine. So जैसे आप steroid छोड़ते हो तो back to again वो होगा ना कि आपने steroid use किया, आपका चेहरा एक हद तक, वो तो guys मतलब steroid तो लगाना नहीं चाहिए, but फिर भी I'm just giving an example. आप एक steroid based cream use करते हो तो आपका चेहरा मतलब एक हद तक अच्छा रहता है, but then जैसे आप छोड़ते हो back to again मतलब उससे भी बुरा होता है. so tretinoin is not like that. अगर आप लगाते हो आपका एक बार जब कंप्लीट एक्ने आना बंद हो जाएगा, सो आप छोड़ते हो तो दोबारा से वो नहीं आता है. मतलब ऐसा नहीं कि
जैसे आपका एक्ने था वैसा नहीं होगा. आप वंस इन अ वाइल तो एक दो तो आता है, वो तो अलग बात है. जैसे कि मेरा कभी कभी एक इधर आता है फिर ठीक होता है, एक उधर, लेकिन जैसा था वैसा नहीं होता है. सो ट्रेटिनोइन स्टॉप करने के बाद भी आपका वो एक्ने दोबारा से नहीं आता है. आप इसका तो टेंशन छोड़ ही दो कि मतलब मैं ट्रेटिनोइन छोड़ूंगी तो मैं ट्रेटिनोइन लगाना बंद करूंगी तो फिर दोबारा आएगा. तो ये तो मीनाज खान का एक और क्वेश्चन है कि आपने ट्रेटिनोइन बंद किया तो आपका पिंपल नहीं हुआ क्या? बाद में मुझे तो होता है बार बार, क्या करूँ? सी, आप ट्रेटिनोइन कब लगा रहे हो, कब छोड़ रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड कर. आपने मतलब कंप्लीट ठीक होने के बाद ट्रेटिनोइन छोड़ा है या फिर आपका फेस में था तब छोड़ा है. दिया के सर, मैं 6 मंथ से यूज़ कर रही हूँ. मेरा एक्ने कम हुआ है पर पूरा नहीं गया है. ओपन पोर्स वैसे ही है, मैं कंटिन्यू करूँ या स्ट्रेंथ बढ़ाऊँ? प्लीज टेल अरे. सी, मैंने ट्रेटिनोइन 0.025 से स्टार्ट किया था और 11 मंथ तक मेरा सिर्फ 1.5 ट्यूब ख़त्म हुआ था. एंड वो था मतलब ट्रेटिन 0.025. मैंने उससे ना ही बढ़ाया, ठीक है, जो था मैं उसी से यूज़ किया. 5 महीने तक भी मेरा मतलब चेहरा में पूरा पिंपल्स था, इधर 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 बहुत सारा था. 5 मंथ तक भी पिंपल्स था. फिर स्लोली 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 6, 7, 8, 9 वो वाला मंथ में मेरा पिंपल्स आना कम हुआ, फिर ठीक हुआ, पुराना ठीक होता गया, फिर जो नया आता रहता था वो आना बंद हुआ, ऐसे होगा. तो 6 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ. आप एक बार और मतलब 1 ईयर तक लगा के देखो, अगर आपको सही लगे तो. और मतलब वो स्ट्रेंथ बढ़ाने का तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने तो जो है वही यूज़ किया था ज़्यादा मतलब. और जेसिका पूछते हैं, डिड यू स्टॉप यूजिंग ट्रेटिनोइन, वाई? सो यस, दिस इज़ द मेन क्वेश्चन. लाइक मतलब बहुत सारा. एंड ऑल्सो मीनाज खान, मैम आप ट्रेटिनोइन यूज़ कर रहे हो अभी? और सालिनी, क्या आपने ट्रेटिनोइन परमानेंटली बंद करके ये सोल्यूशन और मेडरमा यूज़ कर रहे हो? मतलब सिमिलर वाला अभी मैं एक एक क्वेश्चन वो तो नहीं सर्च कर सकती हो. सो मेन मुद्दे के बात पे आते हैं डायरेक्ट सीधा. मेन मुद्दे के बात पे आते हैं गाइस सीधा. ट्रेटिनोइन बंद क्यों किया वही है मतलब मेरा शॉर्ट्स में भी क्वेश्चन है, बहुत सारा आता रहता है कि ट्रेटिनोइन आप यूज़ कर रहे हो या बंद कर रहे हो. गाइस, मैंने ट्रेटिनोइन बंद कर दिया है, कम्प्लीटली ही बंद कर दिया है ट्रेटिनोइन. ट्रेटिनोइन मैंने स्टार्ट किया था लगाना लास्ट ईयर के मई से मैंने स्टार्ट किया था. सो ये ईयर 2023 से मैंने ट्रेटिनोइन लगाना यूज़ किया था. एंड 2024 के मई जून में मैंने ट्रेटिनोइन को बंद कर दिया था. क्यों बंद किया? रीज़न बस ये है कि मेरा एक्ने ठीक हो चुका था. सो फर्दर मुझे नहीं लगा कि मैं ट्रेटिनोइन को मतलब लगाती जाऊँ. और ऑल्सो गाइस, मुझे मतलब दवाई वगैरह, सी ट्रेटिनोइन इज़ ऑल्सो मेडिसिन, तो मैं मेडिसिन से ज़्यादा क्रीम प्रेफर करती हूँ. क्योंकि एक मेरा माइंड में ये होता है कि दवाई, देखो आप रोज़ बीपी या शुगर का जो भी टैबलेट रोज़ लेते हो उससे आपका किडनी तो ख़राब होगा ही होगा ना. मतलब दवाई खाने से किडनी ख़राब होता है ये बोलता है, मतलब होगा भी. सो वही मैं सोचती हूँ कि अगर मतलब लाइफ टाइम अगर फेस में भी मेडिसिन यूज़ करते रहो तो शायद वो सही नहीं रहेगा, ऐसा मुझे लगता है. एंड मैं प्रेफर नहीं करूँगी कि मैं सब कुछ ठीक होने के बाद भी वही दवाई कंटिन्यू करूँ. तो इसीलिए मैंने ट्रेटिनोइन बंद किया था. और एक रीज़न ये है कि मैंने ट्रेटिनोइन एक्ने के लिए लगाया था जब मेरा बहुत बुरा वाला फेस चल रहा था लास्ट ईयर. आप लोगों ने तो देखा ही होगा तो कैसा था मेरा फेस. तो वो टाइम में मैंने ट्रेटिनोइन लगाना यूज़ किया था. तो मैंने कंटिन्यू लगभग नियरली 1 ईयर तक ट्रेटिनोइन लगाया. तो उसके बाद से मेरा, और 1 ईयर में मैंने सिर्फ 1 ट्यूब 1.5 ट्यूब यूज़ किया, ठीक है. तो उससे ज़्यादा तो मैंने नहीं लगाया ट्रेटिनोइन. तो आप समझ ही सकते होंगे मेरे, और मैंने हर एक वीडियो में भी ये आप लोगों को क्लियरली मेंशन किया है कि ट्रेटिनोइन का मतलब कितना अमाउंट यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना होता है.
और यस, तो मैंने ट्रेटिनोइन वो ऑलमोस्ट अ ईयर लगाया, मैंने मेरा एकदम टोटली 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 आफ्टर 10 मंथ्स ठीक हुआ। ठीक है, तो तब से मेरा मतलब आना भी बंद हो गया, टोटली बंद हो गया। कभी कभी अभी तो एक दो पिंपल, एक दो पिंपल्स आता रहता है, मतलब अगर मैं टाइम से नहीं सोती हूँ या फिर पानी कम पीती हूँ, वो अलग बात है। तो गाइस, 10 मंथ में मेरा पूरा वो एक्ने का जितना था पिंपल्स वगैरह, वो जितना मेरा पिंपल्स फेस में था, वो आता आना जाना वो सब कुछ बंद हो चुका था। ठीक है, तो रह गया था पिंपल्स क्लियर होने के बाद क्या रहता है फेस में, क्या रहता है, वो स्कार्स रह गया था, डार्क स्पॉट्स था बहुत सारा। और डार्क स्पॉट्स तो चलो कोई नहीं, वो तो जाएगा, बट देन जो एक्ने स्कार्स, बहुत गंदा वाला एक्ने स्कार्स रह गया था फेस में। एक स्कार्स के अंदर एक आपका मतलब गड्ढे गड्ढा रहेगा, उसके अंदर में पूरा ब्लैक कलर का दाग रहता है फेस में, जहाँ जहाँ पे वो था। तो सो आई थॉट कि मतलब ट्रेटिनोइन से ये भी जाएगा, क्योंकि भी देखती हूँ लोगों का वीडियोस। सो आई थॉट कि चलो अभी एक्ने तो चला गया मेरा, आई थॉट कि देखते हैं मतलब क्या, व्हाट इफ ट्रेटिनोइन से शायद स्कार्स वगैरह जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारा वीडियोस में देखा था ग्लास स्किन ये वो ट्रेटिनोइन से। एंड मैंने लगाया करीबन 1.5 महीना तक लगाया स्कार्स में, मतलब कोई 1.5 मंथ तक मैंने ट्रेटिनोइन लगाया, बट स्कार्स में कोई चेंजेस ही नहीं दिखा मुझे, कि एज इट इज था, मैंने पहले भी बोल रही हूँ एज इट इज था। सो तब जाके आई थॉट कि नहीं अभी मतलब ट्रेटिनोइन बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये तो मुझे पूरा मालूम हो चुका था कि ये मेडिसिन सिर्फ एक्ने पे वर्क करेगा, एक्ने को क्लियर करने में वर्क करेगा, अपार्ट फ्रॉम दैट एक्ने स्कार्स डार्क स्पॉट्स से इसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। आप चाहे जितना भी मतलब दूसरा दूसरा प्रोडक्ट के साथ ट्रेटिनोइन को मिक्स करके लगाओ, फिर भी वो काम नहीं करेगा। देन आई स्विच टू वो, पहले तो मैंने वो देखा था AHA BHA पीलिंग सॉल्यूशन, वो ऑर्डर किया था, वो ट्राई किया एक दो बार, लेकिन मतलब उससे तो सिर्फ टैन रिमूवल में थोड़ा सा हेल्प हुआ, और बाकी तो कुछ चेंजेस नहीं दिखा मुझे। वो भी मैंने 1 मंथ तक ट्राई किया था, एंड उसके बाद मैंने सोच सोच के फिर गाइस मैंने मेडर्मा लिया था स्कार्स के लिए, क्योंकि मेडर्मा का अगर 6 महीने पहले का इधर का, 6 महीने के बाद का नहीं, 6 महीने अंडर 6 महीने अंडर 6 महीने का जो स्कार्स है उस पे काम करेगा मेडर्मा, ये तो सभी को, आई थिंक सभी को मालूम है, बट उतना ज़्यादा भी वर्क नहीं करता है, चलो फिर भी कोई नहीं। तब मैंने मेडर्मा यूज़ किया था, और मेडर्मा तब तक लगाना चाहिए गाइस जब तक कि आपका डिसकलरेशन नहीं होता है। मेडर्मा आप लगाते जाओ आपका स्कार्स, आपका मतलब डार्क स्पॉट्स कम करता है मेडर्मा, स्कार्स तो ठीक नहीं करता है, डार्क स्पॉट्स को ठीक करता है, ये भी एक है। और जितना मतलब स्कार्स के ऊपर जितना डार्क स्पॉट्स था वो तो मेरा चला गया मेडर्मा से, चला जा रहा था, बट देन स्किन डिसकलरेट होने स्टार्ट हो गया था, मैं काला सेता होना लग गया था गाइस, इधर मेरा काला काला काला, जहाँ जहाँ पे मैं मेडर्मा में फुल फेस पे मेडर्मा नहीं यूज़ करती थी मैं, सिर्फ इस मेरा स्कार्स जहाँ जहाँ पे था उधर मैं मेडर्मा लगाती थी। और 3 ट्यूब लगाया मैंने मेडर्मा का, 10 ग्राम्स वाला, 30 ग्राम्स लगाया, और मुझे मतलब दिखाई देने लग गया था कि मेरा फेस में डार्क पैचेस टाइप का आने लग गया था। एंड देन अगेन फिर आई डिड द रिसर्च थिंग अबाउट मेडर्मा एंड इट्स यूजेस। पहले तो कौन देखता है ये सब, पहले कौन देखता है, मैं तो नहीं देखती हूँ गाइस, लगाने के बाद देखती हूँ, क्योंकि पहले ही आप मतलब पूरा टोटल चेक करके लगाओगे ना, मैं बस पहले अच्छा वाला पॉजिटिव पॉजिटिव देखती हूँ पहले, क्योंकि पहले ही नेगेटिव देखूंगी तो फिर मेरा माइंड वो हो जाएगा, हो जाएगा मेरा माइंड है ना, अंत इसीलिए पहले तो मैं पॉजिटिव देखती हूँ, फिर मतलब कुछ अगर बुरा होता है तब जाके मैं नेगेटिव रिव्यूज वो देखती हूँ। फिर मेरा जब स्किन ऐसा होने लग गया था कि मतलब इधर थोड़ा थोड़ा काला, इधर काला 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 सेता, काला सेता एक होता है ना, वैसा वाला होने लग गया था,
डिस्कलेक्शन बोलती हूँ मैं तो, पता नहीं आप लोग क्या बोलते होंगे। मिडर में छोड़ दिया, तब तक मेरा स्कार्स में बहुत अच्छा अच्छा वाला चेंजेस आया था। एंड देन तभी से मैं अभी फ़िलहाल क्या यूज़ कर रही हूँ वो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, बट मेरा 30 डेज आइस मसाज चैलेंज है जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन मैं रेगुलरली कर रही हूँ आइस मसाज तो मैं रेगुलर कर रही हूँ, बट मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ ना कभी टाइम, मतलब मैं नाइट टाइम में शूट करती थी नाइट टाइम वाला, तो अभी वो टाइम नहीं मिल रहा है। बट गाइस मैं आपको बता दूँ कि आइस मसाज इज़ द बेस्ट 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 बेस्टेस्ट ऑफ ऑल मेडिसिन, लाइक बेस्ट। मेरा तो स्कार्स वगैरह था और ओपन पोर्स था, वो ओपन पोर्स को मिनिमाइज करने में भी बहुत हेल्प करता है, तो रेगुलर यूज़ से तो मतलब काफ़ी सही होगा। अगर दिन में आप लोग दो बार कर पाते हो, मॉर्निंग और नाइट में, नाइट में आप आइस मसाज करके उसको एयर ड्राई के लिए छोड़ दो जितना भी पानी है, एंड देन उसके ऊपर जो आपका नाइट स्किन केयर है वो फॉलो कर दो तो काफ़ी सही रहेगा। एंड मॉर्निंग में भी सेम, मॉर्निंग में भी आप दो बार करते हो तो डेफिनेटली आपको चेंजेस नज़र आएगा ही आएगा। और मेरा खुद का मतलब मेरा तो एक्ने नहीं था तब भी मैं कर रही हूँ, लेकिन जो मेरा मतलब अंडर एज जो मेरा भैया का बेटा है उसका बहुत सारा फेस में पिंपल्स आया था, मेरा जैसे आया है, वो भी अभी आइस मसाज कर रहा है तो उसका भी स्किन में चेंजेस आ रहा है, क्योंकि वो तो अभी उसका तो टीनेज फेस चल रहा है तो वो अभी मेडिसिन तो यूज़ नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी उसका भी मतलब जो पिंपल्स आता है उसका दाग रह रहा था ना, तो पिंपल्स भी आ रहा है दाग भी रह रहा है, तो वो भी लगा रहा है और उसका भी काफ़ी सही अच्छा वाला मतलब चेंजेस आया है उसका भी फेस में। अभी वो तो स्टूडेंट है, वो उसका टाइम का हिसाब से करता है, नहीं तो मैं आपको दिखा देती नहीं, वो सुबह उठ के करता है या फिर स्कूल से आके करता है, लेकिन वो कर रहा है वो भी। तो फिलहाल मतलब मैं आपको यही बताऊंगी कि मैंने तो जब मेरा एक्ने था तब मैंने ये आइस मसाज नहीं किया, तब अगर मैं आइस मसाज करती तब भी तो शायद मुझे ट्रेटिनोइन भी यूज़ नहीं करना पड़ता, और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मुझे ऐसा फील हो रहा है अभी। तो अगर आप लोग देखिए, अगर स्टबन एक्ने है तो ट्रेटिनोइन को डेफिनेटली यूज़ कीजिए आपका, अगर एक्ने स्कार्स है तो ट्रेटिनोइन यूज़ मत कीजिए, आप लोग ट्रीटमेंट के लिए प्रेफर कीजिए, ठीक है। और टीनेजर्स हो, आप लोगों को पिंपल्स का प्रॉब्लम हो रहा है या तो फिर आप लोगों का ओपन पोर्स हो रहा है, जो भी हो रहा है, सो गो फॉर आइस मसाज गाइस। दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो, वैसे तो मेरा वीडियो बोरिंग ही होता है, इतना अच्छा भी नहीं होता है। फिर भी चलो मिलते हैं दूसरा वीडियो में, और मतलब आफ्टर मैटर में मैं क्या कर रही हूँ वो मैं दूसरा वाला वीडियो में बताऊँगी, अगर इसमें अच्छा व्यूज़ आया तो तभी बताऊँगी, नहीं तो नहीं बताऊँगी गाइस, नहीं बताऊँगी, नहीं बताऊँगी। एंड यस, दिस वन इज़ फ्रॉम मीशो, मैंने डाला है शॉर्ट्स में, वो भी आप जाके चेक कीजिए। बाय गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी मैं कर लूँगी ये वीडियो को एडिटिंग थोड़ा सा, और कब डालूँगी देखते हैं। बाय बाय।